गुजराती स्टाइल खट्टा मीठा ढोकला। आज हम ब्रेकफास्ट के लिए एकदम आसानी से बनने वाले खट्टा मीठा ढोकला बनाएंगे। ये बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनते हैं, सबको बहुत पसंद आते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बोल में आधा कप कोलम के चावल लेंगे, आप कोई भी वेराइटी के चावल ले सकते हैं, और 1/4 कप उड़द की दाल लेंगे। इसे 3 से 4 बार पानी से धो लेंगे। और फिर इसमें बहुत सारा पानी डालकर इसे 5 से 6 घंटे के लिए भीगने देना है। छह घंटे के बाद दाल और चावल में से पानी निकाल देंगे और इसे पीसने के लिए एक मिक्सर ग्राइंडिंग जार में ले लेंगे। जरूरत लगे तो थोड़ा पानी डाल सकते हैं और इसे दरदरा पीस लेंगे। ढोकले के मिश्रण को एक बोल में निकाल लेंगे। इसमें 1/4 कप रवा डालेंगे और 1/4 कप दही। सब कुछ अच्छे से मिक्स कर लेना है। और इसे ढक के रात भर हम इसे फर्मेंट होने के लिए छोड़ देंगे, लगभग 7 से 8 घंटे के लिए। 7 से 8 घंटे हो चुके हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे और आप देख सकते हैं बैटर थोड़ा गाढ़ा हो गया है, क्योंकि रवा ने जो पानी है वो काफ़ी एब्जॉर्ब कर लिया है। अब इसमें खट्टे मीठे टेस्ट के लिए हम 1 छोटे नींबू का रस डालेंगे और 2 छोटी चम्मच चीनी, 1 बड़ा चम्मच अदरक मिर्ची का पेस्ट और नमक डालेंगे। मैंने 1 छोटी चम्मच प्लस 1/4 छोटी चम्मच नमक लिया है। थोड़ा सा पानी डालेंगे और इसे पकौड़े के बैटर की कंसिस्टेंसी में लाएंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे सब कुछ। अब हम एक तड़का तैयार करेंगे जो हम ढोकले के अंदर ही डालेंगे। तो मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल गरम किया है। तेल गरम होने में इसमें 1/2 छोटी चम्मच राई डालेंगे और इसे पकने देंगे। आज बन करके इसमें 1/4 छोटी चम्मच हींग डालेंगे और 7 से 8 कड़ी पत्ता डालेंगे और हमारा तड़का तैयार है। तड़के को ढोकले के बैटर में डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और स्टीमर में रखने से पहले हम इसमें 1 छोटी चम्मच इनो डालेंगे। आप चाहे तो इनो की जगह पे 1/2 छोटी चम्मच बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। इनो के ऊपर 1 छोटी चम्मच पानी डालेंगे और इसे एकदम अच्छे तरह से मिक्स कर लेंगे। और यहाँ पे मैंने ढोकले की प्लेट को तेल से ग्रीस करके तैयार रखा है। प्लेट में ढोकले का बैटर डालेंगे। बैटर उतना ही डालना है कि हमें एक पतली लेयर मिले ढोकले की। ज़्यादा मोटा ढोकला टेस्ट में अच्छा नहीं लगेगा, इसे पतला ही रखना है। ऊपर से काली मिर्ची छिड़केंगे और आप चाहे तो थोड़े से तिल के दाने भी छिड़क सकते हैं। मैंने स्टीमर में पहले ही पानी गर्म करने रख दिया था। इसमें हम अपने ढोकले की प्लेट रखेंगे।
ढक्कन लगाएंगे और आंच को हम मीडियम से अधिक रखेंगे और इसे 15 से 20 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। लगभग 20 मिनट हो चुके हैं और ढोकला भी एकदम अच्छे से स्टीम हो गया है। इसे हम स्टीमर में से बाहर निकाल लेंगे। ढोकले की प्लेट जब गरम गरम हो तभी हम इसमें एक छोटी चम्मच जो तेल है उसे अच्छे से फैला के लगा लेंगे। ऐसा करने से ढोकला खाते वक्त ड्राई नहीं लगेगा। ये स्टेप ऑप्शनल है, आप लगाना चाहे तो लगाइए वरना तेल स्किप कर सकते हैं। खट्टा मीठा ढोकला ठंडा हो गया है, अब हम इसे पीसेस में काट लेंगे। ढोकला ठंडा हो जाता है तो उसके पीसेस एकदम आसानी से निकलते हैं और ज़रा भी नहीं टूटते। आप देख सकते हैं बहुत अच्छा ढोकला बना है, एकदम ही सॉफ्ट है, बहुत स्पॉन्जी बना है। तो तैयार है एकदम आसानी से बनने वाला गुजराती ब्रेकफास्ट खट्टा मीठा ढोकला, जिसे आप ज़रूर से ट्राई कीजिए। ये बहुत सॉफ्ट और स्पॉन्जी बनते हैं और सबको पसंद आते हैं। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया है तो इसे ज़रूर से सब्सक्राइब भी कीजिए।